पाकिस्तान सुपर लीग के सातवें एडिशन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी ने विकेटें उड़ा डाली। आज की इस वीडियो में आपको शहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की मुकम्मल वीडियो दिखाता हूँ, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है, आपने मुझे इसका जवाब कमेंट बार में जरूर देना है। पाकिस्तान सुपर लीग का सातवां एडिशन कौन सी टीम जीतेगी, आपने उस टीम का नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब आपको दिखाता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने लाहौर में अपनी अपनी प्रैक्टिस की। इस प्रैक्टिस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने अपनी बैटिंग प्रैक्टिस की और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस की और उसमें शहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कैंप को ज्वाइन करने से पहले दोनों खिलाड़ियों ने लाहौर में प्रैक्टिस की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को बॉलिंग करवाई और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी ने एक मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम को बोल्ड भी किया। यहाँ पर मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है कि पाकिस्तान सुपर लीग का सातवां एडिशन कौन सी टीम जीतेगी, आपने उस टीम का नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा।